हिसार के निजी स्कूल की बस नैनीताल के कालाढूंगी के पास खाई में गिर गई, जिसमें स्कूल के स्टाफ समेत 32 लोग सवार थे। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं टीम ने कुछ लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये सभी लोग हिसार से नैनीताल घूमने के लिए आए थे। बता दें कि हरियाणा के हिसार के न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल शाहपुर ग्राम पातन की बस 3 बच्चों व स्कूल के स्टाफ को लेकर शनिवार को नैनीताल घूमने आई थी। रविवार रात पर्यटक वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कालाढूंगी रोड पर उनकी बस नलिनी के समीप पहुंची ही थी कि अचानक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस बीच बस सवार कई यात्री छटक कर बाहर भी जा गिरे। राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू अभियान चलाकर खाई से घायल यात्रियों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। दुर्घटना में करीब 12 वर्ष के एक किशोर सहित 7 की मौत हो गई है। शाम को एक सूचना हम लोगों को मिली थी कि एक बस मंगोली के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये हरियाणा से कोई शिक्षकों का एक ग्रुप था जो घूमने के लिए आए हुए थे, तो वहाँ जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है वो मूव कराई गई थी। तुरंत एम्बुलेंसेस भी हम लोगों ने काफ़ी पर्याप्त संख्या में वहाँ मूव कराई थी। सारे प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी। अभी लगभग जो 20-22 लोग हैं वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल आ गए हैं, जिनको कुछ लोगों को गंभीर चोट भी है, कुछ लोग नॉर्मल जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी है, तो सभी को प्राथमिक उपचार भी दे दिया गया है यहाँ पर, और फर्दर आगे का जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जा रहा है। अभी तक 7 कैजुअल्टीज़ की सूचना मिली है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल ही रहा है, तो फाइनल जो भी फिगर आएंगे वो दिया जाएगा। अभी घायलों से मैं भी मिली हूँ, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं मेडिकल कॉलेज के, तो सभी डॉक्टर्स को भी और प्रिंसिपल को भी हमने यही निर्देश दिए हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है घायलों को वो प्रोवाइड कराया जाए। यदि कोई ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि इनको कहीं हायर सेंटर रेफर करने का किसी को ज़रूरत महसूस होती है, तो टाइमली उसका डिसीजन लेकर इन्फॉर्म करा जाए ताकि उसकी व्यवस्था कराई जा सके। अभी जो प्राइमा फेसी रीज़न निकल कर आ रहा है वो काफ़ी बड़ा कर्व है, तो उसमें गाड़ी का कंट्रोल ना हो पाना या स्पीड ज़्यादा होना, इस तरह के रीजंस कुछ निकल कर आ रहे हैं। बाकी बाद में जो टेक्निकल टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरा, और जो फाइंडिंग्स आएंगी फाइनल वो सभी के साथ शेयर करेंगे। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि चल ही रहा है, तो फाइनल संख्या जैसे ही ये ओवर होता है उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे। थैंक यू।